इसका प्रबंध भारत सरकार ने किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया है, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया है और मेडिसिनल फार्मिंग के लिए 4,000 करोड़ रुपया है और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया है। ऐसे कुल मिला के यह क्षेत्र में निजी निवेश आए और फूड प्रोसेसिंग बढ़े, इस इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को लागू किया गया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक हमारे पास 10,000 करोड़ की परियोजनाएं राज्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें 5,000 करोड़ का ऋण बैंकों के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और उन पर काम तेजी से चल रहा है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम सरप्लस हैं, जलवायु परिवर्तन और पानी का संकट वह भी हमारे सामने है। इन दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार की कोशिश है कि फसलों का विविधीकरण होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और हॉर्टिकल्चर की ओर, ड्रिप इरिगेशन की ओर देश को बढ़ना चाहिए और इसलिए हॉर्टिकल्चर को मिशन मोड में भारत सरकार ने लिया है। राज्यों के साथ मिलकर उस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। इससे फसलों का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, हॉर्टिकल्चर के लोग जाएंगे तो ड्रिप इरिगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, हम पानी की बचत भी कर सकेंगे और बाकी चुनौतियों से भी हम बच सकेंगे। भारत सरकार दलहन और तिलहन के मिशन को भी संचालित कर रही है, दलहन का उत्पादन बढ़े और तिलहन का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से अच्छा बीज किसानों के बीच में वितरण हो, भारत सरकार की ओर से हो, यह व्यवस्था देश भर में की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।